किसे को देखे अभी उसी, लेकिन मैं नहीं देखे। साढ़े कारी साहब की बुलाई उस्ताद सनो इसे तरह पढ़ाते से अल्लाह अकबर जखड़ आ जाए वो पहुंच जाते से जी जखड़ तूफान 8 मील तो ना आना होंदा सी साइकिल चला के तो आ जाते से असा दुआ करना भी आला पंचर हो जाने राय विच आई तो टड़न कि नहीं लेकिन नहीं पहुंच जाने। कई बारी बाजमा दुआ हो जानी भी किसी ट्रक के नाल टकरा जाना तो उस्ताद आउंदे फरमाना मैं पता है तुसी जेड़ी मेरे वास्ते दुआवां करदे समझ आ गई रही हो जे दुआवां कभी कबूल नहीं हुई असी दुआ कर या अल्लाह ट्रक कोई टकरा जाने नाल आई तो टल जान सिर भी खप गया साडा नींदर भी आई है उस्ताद फिर पहुंच जाने। लेकिन याद रखो जितना उस्ताद सख्ती करता है डांट डपट करता है तालिब इल्म ये समझदा है मेरे ना बड़ी दुश्मनी कर उस्ताद जी दे ज्यादा सख्ती करता है तो ज्यादा रहम फरमा रहा है लेकिन समझ बड़ी देर बाद आउंदी जाके बंदा बचपन चो नहीं समझदा इस बात समझे उस्ताद हर वेले दौरी वट्टी रखदे ने पता नहीं इन्हें की उस्ताद जी दे नाल गुस्से नाल तकदा पिया दरअसल ओहदे नाल रहम करदा पिया जितनी शिद्दत करदा पिया उतनी रहमत करदा पिया और जितनी दुआवां बच्चा करता है उस्ताद वास्ते बड़ा होकर उतनी ही दुआवां करता होता है पिया दे वास्ते। ग्रामी कदर रात में अर्ज करना पिया अल्लाह ताला पढ़ाया हुजूर नू भाभी भी मनन के वा पढ़ाया अल्लाह मल कुरान जी अल्लाह आप आदे मैं आप पढ़ाया कुरान जी भाभीन पूछो देवबंदियन कह पढ़ाया आखे अल्लाह ने कह पढ़ाया हुजूर नू कह पढ़ाया दब के कह पढ़ाया कह पढ़ाया दब के बोलो कह पढ़ाया तो की पढ़ाया दब के बोलो दब के दब के आए मसला हल इना दब के कहन तो बाद तो अगली गल दसने की लोड़ ही कोई नहीं पढ़ाया रब ने पढ़ाया कुरान पढ़ाया हुजूर नू अल्लाह दे पढ़ाने च कोई कमी ते मजमून है कुरान ते कुरान दे के विच कोई कमी वाइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमु इल्ला हु व यालमु मा फिल बर वल बहर वमा तस्कुत मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबसिन कुराने पाक दे तारफ दी लोड़ तो कोई नहीं लेकिन उसूले बरकत वास्ते मैं तुम्हें तो आयत सुना दीती कोई खुशकी और तरीदा जर्रा भी अजिया नहीं जिदा इलम कुरान में ना हो एक दाना जमीन चो सट दो तो भी इलम है कुरान दे अंदर एक पत्ता अगर दरख्त ना टूट के डिग दे तो भी जिक्र है ते इलम है कुरान दे अंदर ते कुरान दे अंदर सारे गैब भी ते शहादत भी सारे इलम रब ने जमा कर दिते ने कुरान मुकद्दस दे अंदर ते ओ कुरान सारा जमा कर दिता है अपने मुहम्मद दे सीने दे अंदर। हुण मैं पूछना भाभी हो जिस वे जमा करन लगा सी ते विचो इलम किर गया नहीं कुरान में ध्यान जिस वे हुजूर अल जान लगे विचो डिग पे जिल्द कमजोर सी नहीं समझ आई ओ मैं हुजूर दी शान पे बयान करना बोलो ना जिल्द कमजोर सी मैं विचो इंज कर किर गए ने इलम पैरों ध्यान सारे मैं कि हुजूर वाल जाने डिग पे विचो बड़े बेईमान लोग ने खुदा जानदा तुहाडी सोच तो भी बड़े बेईमान क्यों कि तुसी उन्हें बेईमानी समझो ता उन्हें ना सलाम भी ना लो मुना मौलवी री होए मैं कहा मौलवी री होए साडे कड़ा उन्हें वसल पट्टे ने मौलवी रा ना वैर ते ये ना बा हुजूर दी सिफतां दे मुनकर ने ते जेड़ा हुजूर दी सिफतां दा मुनकर होवे ओ पंडित हो सकदा मौलवी हो सकदा नहीं बेईमान हुजूर ने किदे कोल पढ़िया अल्लाह दे पढ़ाण विच कोई कमी ते कुरान दे इल्मा विच कोई कमी नहीं हुजूर दे पढ़न विच कोई कमी नहीं बल्कि हुजूर ते कदी ये कोशिश कर दे आण मैं याद कर ला कुर्बान जावां इहदे ते भी गौर करना जरा याद कोशिश कर दे आण ठीक है हज़रत जिब्रील वही ले आए ना मैं याद कर ला ते अल्लाह फरमाया की करना अगर याद करना फरमाया ना करया कर लो एदे तो वड्डी भी कोई गल हो सकदी की करना है याद करना फरमाया ना करया कर बकायदा अल्लाह ने मना किया ए भी पढ़ाई का कोई अंदाज है वे कोई भी गौर कर लो
कारी असगर साहब जी पढ़ाण तालिब इलम लै बह जाओ उ दब दब के आख रटा ला तो हजूर रटा लाने लगे अल्लाह फरमाया ला तो हर एक पे निशानक रटा ना लाई नहीं तो समझ ही कोई नहीं मसला समझने की रटा ला सानू सबक रटा ला मेरे अब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने तालिब इलम की तालीम असबाक का तकरार तालिब इलम आलिम बनता है जो सबक तकरार करे मैं कह जनाब ये तालिब इलम कि मैं बढ़ गए जी फरमा ला तो हर एक पे निशानक जबान ना ला चुप लाला मेरे दोहराण दे फरमा क्यों अगर दोहरावगा तो याद होगा फरमाया दोहराने नहीं मेरे पढ़ाने नाल होगा सनो करो कफला तंसा तेनू कड़िया फिक्र ने तेनू इस मुशक्कत चो पाने नहीं कि रटे ला ला के याद करे मैं इंज पढ़ावगा जमाना गुजर जाए तेनू बोल ही नहीं सकता मतलब रंग ही निराला सी पढ़ाने दा दबके दबके अल्लाह अकबर थोड़ी होंगी बेतरतीब ना रहे दबके दबके पढ़ाना भी असा समझाना भी असा बयान भी साढ़े जिम्मे ते याद कराना भी साढ़े जिम्मे बुलाना होया तां भी असी आप अपनी मर्जी नाल बुलांगे पढ़ाना होया तां भी अपनी मर्जी नाल पढ़ांगे बाबियां नूं की पता बाबियां मत मारी उन्हें बेवकूफा दी हजूर बोलन भी तो रब आप बुलांदा क्यों याद जी आप कराता बुलांदा भी तो आप ही है क्यों फरमाया तू याद करने वास्ते पढ़ना ही नहीं बस सुनदा रहा कर बस की कहने बस हजा कराना फत्तबे कुरान सुम्मा इन्ना अलैना बयान बस रट्टा नहीं लाना जबान तेज तेज नहीं चलानी ताकि याद रह जाए क्यों जबान चलाने ना तो याद रहेगा ना फरमाया साढ़े पढ़ाने नाल याद रहेगा बस बोलन नहीं देना ले तो वही ना लिना आसमान जो कुछ नाजिल किते तोड़े ते ओदा बयान सिखा दिता है ताकि अगे भी जाके बयान कर दो उसनू लोगों के सामने बयान कर दो सुनियो अल्लाह दे पढ़ाने च कमी कोई नहीं हजूर दे पढ़ने च कमी कोई नहीं कुरान विच इल्मा दी कमी कोई नहीं ते मुण ए विचों गल कितों फुट आई इस गल दा कोई नहीं पता मैं जिस गल दा तेन पता है उसका आप नूं कोई नहीं पता और कमलिया तेरिया हदां ते शहादत तो भी उरां दियां तुहानूं कड़ा इलम है जी तुहाडे कोल केड़ा इलम मैं कहते तेन तेन ते नहीं पता मेथरिया के फवायद की होंगे बयान कर की समझ आई मेथरे के फवायद बयान कर नहीं समझ आई आदे मेथरे दी तेन समझ आए मैं कहते बिच जो कुछ है वह भी पता एक कोई पता नहीं मैं पता हूं तो अशरफ अली थानवी भी जुतियां ना खांदा खास बात कोई पता नहीं ते मैं क्या तेनू नहीं पता मेथरे की होंगे ने हाथ कितने जाके पाना है इल्मे गैब है हजूर को कोई ना मैं क्या तू अपनी औकात में कमीने तेन ते हाजिर का इलम कोई नहीं ते चैलेंज कर गायब दे नहीं रब फरमाया आसमाना दे गैब भी मैं किताब में जमा कर दिते जमीना दे सारे गैब भी मैं किताब में जमा कर दिते ते गैब आसमाना जमीना दे किताब में जमा करके किताब में अपने मोहम्मद दे सीने में जमा कर दिते इलम कितो गिर गए इलम कितो गिर गए विचो आसमाना जमीना दे सारे गैब किताब में ते किताब हजूर को खुशक तर दी हर चीज किताब के अंदर ते किताब हजूर को हम खड़े हो के बैठे तो बैठ खलोते तो की आदन गैब का इलम नहीं है तेरे को मैं क्या जड़ी वही है वही ये गैब है कि हाजिर है
बोलो।